नरेंद्र मोदी के पिछले भाषण में जो कि उन्होंने संसद में दिया कुछ ही दिनों पहले, और उसमें उन्होंने एक नंबर कोट किया कि एनडीए 400 के पार और भाजपा इंडिपेंडेंटली 370 सीटें जीतने वाली है। क्या ये नंबर ओवर एम्बिशियस है या फिर एक प्रैक्टिकल नंबर है, ये कौन बता सकता है? ये केवल और केवल जनता बता सकती है, क्योंकि नेता तो नेता सी बातें करेगा, नेता के क्या बयान होंगे, क्या जवाब होंगे, ये हम लोगों को, राजनीति में इंटरेस्ट लेने वाले लोगों को, खबरें सुनने वाले लोगों को पता ही है क्या बोलने वाले हैं नेता। लेकिन जनता क्या जानती है वो कोई नहीं जानता है। इसीलिए दिल्ली की सड़कों पर आज निकले हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमारी सरकार 125 दिन में वापस आने वाली है, क्या वो संभव हो पाएगा, या फिर अगर हो भी पाएगा तो कितने नंबर पर आएगी, कितने नंबर्स लेके आ पाएगी, कितनी सीटें लेके आ पाएगी। उनका क्लेम तो है 400 पार, लेकिन क्या 400 पार हो पाएगा? क्या जनता इसमें विश्वास रखती है, नहीं रखती है? किन मुद्दों पर वोट देने वाली है, किन मुद्दों पर चर्चा करती है, डिनर टेबल पर क्या बातें होती हैं या फिर फ्रेंड सर्कल में क्या बातें होती हैं, किस तरह से वोट देने वाले हैं, यही जानने के लिए दिल्ली की सड़कों पर आज निकले हैं। लोगों से ही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश की असली मन की बात क्या है। कुछ लोग हैं, उनसे बातें करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे वो क्या चाहते हैं। नाम हुआ जी? मेरा नाम राकेश है। हाँ जी, तो प्रधानमंत्री की जो स्पीच थी उस बार, कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, लग रहा है हो पाएगा? ऐसा अजीब क्या है, बीजेपी शुरू से 400 500 600 हज़ार के सपने देखती रहती है। हाँ। ऐसे उन्होंने कर्नाटक में भी सपना देखा था कि मैं पूरा कर्नाटक खा जाऊंगी, पर हनुमान जी को लेकर चले थे। हाँ। बजरंगबली की बातें कर रहे हैं। हाँ, तो बजरंगबली जी को लेकर चले, बजरंगबली तो सत्य के पुजारी है। हाँ। उन्होंने कहा ये तो छलिया है। हाँ। ये तो छल करता है शुरू से, भाइयों कहते ही सारा काम कर लेता है। नरेंद्र मोदी छलिया है, कैसी बात कर? मतलब नरेंद्र मोदी छलिया नहीं है, बीजेपी सरकार के अंदर वो तो बहुत बढ़िया आदमी है, नीचे बहुत गड़बड़ फैला हुआ है, वो कुछ करते ही नहीं है। बेचारा मोदी बदनाम हो जाता है, वो तो अच्छा आदमी है, वो तो राम भक्त है, शिव भक्त है, वो चलता रहता। मैं 400 बार नहीं हो रहा है इस बार? 400 तो कभी जिंदगी में पार नहीं हो सकता, जब कोई भी सरकार हो, जब से गवर्नमेंट बनी है हिंदुस्तान के तब से 400 पार नहीं हुआ, अब कहाँ से हो जाएगा 400 पार नहीं हो सकता। हाँ, अभी इस बार कुछ जलवा सा हुआ है कुछ, जो कि राम मंदिर का जलवा है क्या? हाँ, अयोध्या का जो मंदिर बना है ना, ये 500 साल बाद, तो लगता है कि कुछ भगवान राम की कुछ हो सकता कृपा हो जाए। तो 400 राम भरोसे है सब? बिल्कुल जी, राम भरोसे तो है, क्योंकि हिंदुस्तान में 70% आदमी राम का ही खाता है, राम पे ही शमशान घाट में राम राम सत करके जाता है, 15-20% मुसलमान है, बाकी तो सब राम ही राम है। तो इस बार जब उन्होंने, अच्छा ये बताइए, राम राम का नाम इस्तेमाल करना चुनावों में, क्या ये ठीक बात है क्या? देखो जी, चुनावों में क्या, बीजेपी का जन्म भी आरएसएस से हुआ है, तो राम हो, कृष्ण हो, महादेव हो, ये तो इनके साथ शुरू से ही रहेंगे, साथ देने के लिए रहेंगे कि जब तक वोट मिल रहा तब तक रहेंगे। देखो जी, इनके नाम पे वोट उठाते रहें और राम राम गाते रहें। देखो जी, क्या है, आप भी जानते हो, हिंदुस्तान में सबसे ऊपर जाति धर्म भाषा ये मुद्दे से शुरू से ही लड़ाई चली आई है। हाँ। और धर्म सबसे ऊपर शुरू से ही रहा है। हाँ। जिसके हाथ में धर्म रहता है उसके 100 के 100 नंबर मिल जाते हैं। हाँ। तो ये धर्म से रामचंद्र, इस बार लगता है कि पूरी कृपा हो सकती है राम की, अगर राम चाहे तो। अब बाकी देखें पब्लिक का खोपड़ी क्या है, पहले हमें तो उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे राम भक्त हो जाएंगे, हर घर में झंडा देखा इस बार तो मैं हिल गया। हाँ। मैं सोचा कि 2-4 लोग ही लगाएंगे ना, पूरी दिल्ली झंडों से पटका भगवामय हो गया, भगवामय हो गया। हाँ। क्योंकि भगवान राम ने लगता है इस बार पूरी कृपा हो जाएगी, पर वोट के मामले में तो कोई राम है, कोई कृष्ण है, कोई भोलेनाथ है, और कोई राम कृष्ण और भोलेनाथ। राम का तो मंदिर बन गया, कृष्ण और भोलेनाथ का अटका हुआ है। बिल्कुल, अब उनका ही नंबर है, है? अभी अयोध्या में भी चल रही है पेशी, और हाँ। उसकी भी मतलब उसकी वाराणसी में, वाराणसी की चल रही है, ज्ञान बापी की चल रही है। हाँ। अगर मोदी आ गया तो दोनों मंदिर पक्के हैं, ये दोनों मंदिर पक्के 100-101%। कोई हिंदू को मंदिर चाहिए या फिर नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, क्या चाहिए? देखो, हिंदू एक ही बहुत ही मेहनती प्राणी है। हाँ। वो कहता है धर्म पहले है, चाहे मैं आलू से रोटी खा लूं चाहे दाल से खा लूं, मेरा धर्म ऊपर होना चाहिए। इस टाइम नमक से रोटी खा लेंगे पर मंदिर चाहिए, एकदम मंदिर चाहिए, क्योंकि भगवान की शरण में रहूंगा तो मुक्ति हो जाएगी, इसलिए वो हमेशा धर्म के प्रति चलता है। तो मुक्ति यार, मुक्ति तो अंत का खेल है ना, तो ये जीवन जो जीना पड़ेगा वो केवल राम नाम पे चलेगा जीवन?
मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि अभी देखो जैसे उन्होंने राम का अयोध्या मंदिर बना, घर घर में झंडे फैल गए मोदी के कहने पे, घर घर में भंडारे हुए। इसका मतलब है कि राम की शक्ति मोदी को सपोर्ट कर रही है। घर घर में भंडारे हुए और जिसके घर में रोटी नहीं थी वो भंडारों में खाने आया, बिल्कुल खाया, दबा के खाया, लोगों ने लैन लग के खाया। और ऐसे नहीं कि कोई बचाओ, पाँच पाँच दिन तो भंडारा इतना तगड़ा चला, हमारे इलाके में चला मंडावली में, वहाँ लाखों आदमी ने। राम मंदिर, राम राज्य में कोई भूखा सोता था? नहीं, राम राज में तो हम वहाँ थे ही नहीं उस टाइम। हाँ। भूखा सोया है वो भगवान जाने। जो भी हमने कथाएं सुनी हैं, तो राम राज का तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि राम के टाइम तो रामचंद्र था और रावण था। हाँ। ये अब तो लेकिन आज तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में वो राशन देना पड़ रहा है। वो तो वो जाने, हमारे घर में तो राशन मिल नहीं था, हम कह नहीं सकते। हमारा राशन कार्ड था, मोदी जी तो बोल रहे हैं हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया है, यानी कि 80 करोड़ लोगों के पास राशन नहीं था। अरे मेरा राशन कार्ड था, कैंसिल कर दिया, कम बखत में 1 किलो कम देता था, मैं टोके लगा तो उन्होंने सेटिंग करके राशन दफ्तर से मेरा राशन ही कटवा दिया। बताइए, आपका तो कट ही गया कार्ड, इसलिए दिया ना, वो तो आदत है ना उसकी, क्योंकि जितने भी राशन वाले अब तो थोड़ा ईमानदारी आ गई, अंगूठी उंगूठी लगा, फिर घपला करने वाला अभी भी नहीं मानता, तो पता कर लो, इनकी इंक्वायरी कर लो, जितने राशन वाले सारे चोर मिलेंगे अभी भी। हाँ। जांच करके मोदी जी चोर नहीं, राशन वाले चुरा रहे हैं। राशन वाले तो सबको पता है। हाँ। दो दो बार राशन बटा, सारा कबाड़ी राशन बेच रहा था, खरीद रहा राशन बेचो मेरे गली में कितने घूम रहे थे। अब राशन पब्लिक खा रही है या राशन कबाड़ी लेके जा रहा है, राशन वापिस जा रहा है दुकान में। अच्छा। वहाँ 30 रुपये किलो आटा बिक रहा है और वहाँ 5 रुपये 7 रुपये चल रहा है। आपका आपका क्या नाम है सर? मैं नहीं बोल रहा। बात तो कीजिए, बता तो दीजिए क्या नाम हो आपका? धनुष राज। क्या प्यारा नाम है आपका। अच्छा ये बताइए, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है अब के बार 400 पार कर देंगे, लग रहा है संभव लग रहा है, हो पाएगा? पता नहीं सर, वो तो समय बताएगा सर। कुछ ऐसे अच्छे काम किए हैं नरेंद्र मोदी की सरकार ने कि 400 पार हो जाए, आपको लगता है ऐसा? नहीं, काम तो आपको फायदा मिला कि नहीं मिला? आपकी जिंदगी में कुछ बेहतरी हुई कि नहीं हुई? नहीं, हम तो ठीक है सर, जैसा था वैसा चल रहा है। हाँ चल रहा है अपना, दाल रोटी चल रही है। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? क्या नाम हो आपका? मेरा मनोज नाम है। मनोज नाम है। मनोज जी, ये तो सर 400 पार हो पाएगा नहीं होगा? मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये तो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता सर, ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। और क्या? नहीं, हम तो आप जनता जानने आए हैं। जो आप उनसे पूछ रहे हो ये बात कि मोदी इस बार आएंगे कि नहीं आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? यानी आने चाहिए, आएंगे वो तो। कैसे, क्या ऐसे काम क्या किए हैं नरेंद्र मोदी की सरकार ने कि उनको मजबूर हो जाएंगे लोग वोट देने में? पहले दो बार कैसे वो मजबूर हुए लोग, गिनवा तो दीजिए। जैसे 24 में तो आए कि अच्छे दिन आएंगे, सुनिए ना, 24 में आए कि अच्छे दिन आएंगे, ठीक, अच्छे दिन आए नहीं आए वो जनता बताएगी। लेकिन जब 19 में आए वो कह रहे थे एक और बार मौका दे दीजिए, अब के आ जाएंगे, अब आ गए कि नहीं आए? काम कर रहे हैं ना, तभी तो आ रहे हैं ये। हाँ? काम कर रहे हैं तभी तो आ रहे हैं। क्या एक आध दो काम जो आपको अच्छे लगे हुए गिनवा दीजिए? मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत से काम है, तो आपको भी पता है, मुझे कहने की क्या जरूरत है? वो बात ही नहीं है, हम तो ये जानने के लिए आए हैं कि क्या आम जनता को, आप लोगों को ये काम दिखाई देता है? दिखाई देता जी। क्या काम दिखाई दिया? बहुत हुआ है। जैसे क्या काम हुआ? 370 हट गई। 370 हट गई। हम तो 370 हट गई, हम तो कभी सपने में नहीं सोच सकते थे ये बातें होंगी। 370 हटने से आपको क्या फायदा हुआ? मंदिर बन गया। ठीक है, राम मंदिर। रोजगार भी बहुत है, जो लोग कहते हैं काम नहीं है, जिन्होंने काम जिन्होंने करना नहीं है उनके लिए कुछ भी नहीं है। कार्मिक राज्य मंत्री हैं, उन्होंने लोकसभा में ही बताया था कि हमारे पास 10 लाख नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, जिसमें रेलवे सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सीटें वैकेंसी रेलवे में खाली पड़ी हैं। अब रोजगार खाली पड़ा हुआ है तो नौकरी मिली किसको? नौकरी तो सर जी, जो पढ़े लिखे एजुकेशन लोग हैं उनको मिलनी चाहिए। भर्ती तो बहुत कम आ रही हैं। हाँ तो भर्ती सर जी अब क्यों कम आ रही है, इसके बारे में तो नहीं मैं कह सकता, सब क्यों आ रही है। तो राम मंदिर और 370 भी हटा है तो राम मतलब हिंदू के लिए नौकरी से ज़्यादा राम मंदिर ज़रूरी है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है कि राम मंदिर ज़रूरी है, धर्म अपनी जगह है। हाँ। रोज़गार अपनी जगह है। हाँ। लेकिन रोज़गार भी तो है ना, मैंने तो खैर अभी तक कोई ऐसा देखा नहीं जो भूख से मर गया हो। भूख से मर गया हो, जिसने मैंने बताया ना, जिसने नहीं करना उसके लिए तो वो कुछ भी नहीं है, जिसने करना हो तो उसके लिए बहुत कुछ है। अच्छा, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या और कर रहे हैं, तो वो उसका कारण क्या है? या तो कर्ज में डूब जाता है आदमी, वापस नहीं कर पाता है तो फिर आत्महत्या करता है, यानी कि उनकी जीवन में बेहतरी नहीं हुई ना। कह रहे थे किसान की आय दुगनी कर देंगे। खैर अब तो गवर्नमेंट, शायद मेरे सुनने में पीछे अभी आया था कि गवर्नमेंट तो खैर उनको काफ़ी फायदा कर रही है, अब तो लाभ दे रही है उनको। हाँ, महीने का 500 रुपया दे रही है किसान को। नहीं, ये तो खैर कम है, आगे उन लोगों को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, सोचना चाहिए इनके बारे में, क्योंकि देश उन्हीं से चलता है। अगर वो किसान अगर अन्न पैदा ही नहीं करेगा तो पब्लिक का क्या होगा? तो ये जो 370 हटा तो उसका क्या फ़ायदा हुआ आपको, या आम जनता को क्या फ़ायदा मिला? फ़ायदा अगर
फायदा तो सर जी हमें वहाँ पे ना रहने का भी नहीं है, लेकिन क्या बेहतर बेहतर तो कुछ हुआ होगा ना, वहाँ पे विकास हुआ है ना, जैसे वहाँ के लोगों को विकास मिल रहा है ना, जैसे क्या मिल रहा है, रोजगार वगैरह वहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है ना वहाँ पे, जैसे पीछे पत्थरबाजी होती थी वो चीज़ अब नहीं हो रही, वहाँ पे पत्थरबाजी नहीं होती है, पीछे जैसे आतंकवादी वहाँ पे इतना था वो चीज़ें नहीं है, पहले बॉर्डर पे आए दिन वहाँ पे कुछ ना कुछ घुसपैठे, नहीं अभी भी लगातार खबरें आती हैं कि वहाँ एनकाउंटर हो गया, वहाँ कुछ मिलिटेंट्स बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ की जो जहाँ की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने आर्मी को छूट दे रखी है ना, अब जो है मतलब कि वहाँ का जो गवर्नमेंट जो आर्मी है वो अपने डिसीजन लेती है ना, अब इनको जो छूट दे रखी है तो तभी तो वहाँ पर थोड़ा कम है, लेकिन है लेकिन पहले जितना नहीं है जैसे पहले था, लेकिन कंट्रोल जब आया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से लेकर मनमोहन सिंह के पहले टर्म तक, कहा जाता है कश्मीर में शांति काल था, इनमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों की एक एक टर्म है शांति काल, वो वाला तो शांति काल अब भी नहीं है, देखो पहले जो कांग्रेस के टाइम में था और अब के टाइम में बड़ा फर्क है, जो कांग्रेस जैसे क्या क्या फर्क है, टाइम में जितना वहाँ पे ये पत्थरबाजी चलती थी आए दिन मतलब बॉर्डर पे दंगे होते रहते थे वो चीज़ अब नहीं है, ये चीज़ आप हम भी देखते और मीडिया में भी पहले बहुत दिखाते थे, अब कहाँ दिखाते, लद्दाख में भी देखिए किसी ने नहीं बोला था, कश्मीर का हिस्सा ही था पहले तो लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा था लद्दाख, लेकिन लद्दाख में भी अब जो है ये चीजें समझ में नहीं आती, इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पर आज भी, अभी कुछ दिन पहले की खबर थी, कभी कांग्रेस बोलती है कि बीजेपी ने मतलब कि उनको जमीन अपने मतलब कि चाइना जो है नहीं, वो तो जो दी सो दी, छोड़ दी सो छोड़ दी, एक्साइज चीन की बात कर रहे हैं आप, लेकिन अभी जो लद्दाख में कहा था कि हमारे बॉर्डर में कोई नहीं घुसा, लेकिन जब आर्मी बोल रही थी कि हाँ चाइना की आर्मी घुसने की कोशिश कर रही थी, अब पेट्रोलिंग पॉइंट्स डिवाइड हो गए हैं, कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट्स हमारे पास हैं, अब कुछ उनके पास चले गए हैं, नहीं वो फिर उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, उसके बाद नॉलेज नहीं है, आर्मी ने बोला कि घुसे हैं लोग, पीएम बोल रहे हैं कोई नहीं घुसा, नहीं पीछे मैंने सुना था कि कांग्रेस वाले ने ये मुद्दा उठाया था कि भाई अपना बॉर्डर पर वहाँ पे लद्दाख बॉर्डर पर ऐसा हुआ था कि पता कि अपना ये कुछ चीन का चाइना के जो है कुछ आर्मी वाले जो अपने इंडिया के कुछ लोग था, हमारे आर्मी के ऑफिसर भी शहीद हुए, हाँ उसमें शहीद हुए थे, हाँ ये शहीद हुए थे, वो तो है मैंने भी देखा था वहाँ न्यूज़ में, लेकिन ये बहुत गलत हुआ था, लेकिन शांति तो फिर नहीं है ना, शांति देखो शांति तो खैर बॉर्डर पे देखो आए दिन ये चीज़ें तो होती रहती होती है, हाँ ठीक है, लेकिन हमारे नेबर्स से हमारे हम कहते हैं भैया नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर हैं, उनसे बड़ा लीडर कोई नहीं है और उनका तूती बोलती है पूरी दुनिया में, लेकिन हमारे अब देखिए मालदीव का एक प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ बोल रहे हैं कि हमारे बदनामी की जा रही है, हमारा लक्षद्वीप जो है उसको हम लक्षद्वीप को प्रमोट करके हमको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखिए बांग्लादेश जो है वो चाइना के सपोर्ट में बोलने लगा, श्रीलंका चाइना के सपोर्ट में बोलने लगा, पाकिस्तान तो खैर चाइना के सपोर्ट में था ही, नेपाल ने बोल दिया काली नदी के एरिया हमारा है, अब सारे नेबर्स अब बताइए जहाँ रह रहे हैं अड़ोसी पड़ोसी से बना के रखनी पड़ेगी ना, लेकिन ये बांग्लादेश का जो भी सिस्टम चल रहा है जो अभी पीछे भी मेरे सुनने में आया था कि थोड़ा सा सिस्टम वहाँ पे थोड़ा ठीक नहीं है बांग्लादेश का भी रवैया जो है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए उनको भी, इस तरह की बात हो रही है तो भारत के समर्थन में रहना चाहिए, समर्थन में रहना चाहिए, यानी कि यहाँ कमज़ोर तो पड़ गए नरेंद्र मोदी, अमेरिका से भले ही आप दोस्ती बना लीजिए, अमेरिका सात समंदर पार बॉर्डर लगा हुआ बांग्लादेश पाकिस्तान चाइना और ये मालदीव्स श्रीलंका इन सबसे दोस्ती रखनी पड़ेगी, बिल्कुल रखनी पड़ेगी दोस्ती, अगर हमें अगर व्यापार अपना ठीक रखना है तो हमें अपने सबसे पहले पड़ोसियों से अपना ज़्यादा वो करना पड़ेगा, कमज़ोर हुए कि नहीं हुए फिर इस मामले, कमज़ोर तो नहीं हुए खैर ये नहीं आप कह सकते, कमज़ोर नहीं हुए ये नहीं हुए, आप ये नहीं कह सकते कमज़ोर हुए, लेकिन ये तो वाकई बात है कि भाई जिस तरह से आज पूरे देश के अंदर जैसे नरेंद्र मोदी की जो स्तुति बोलती है वो दिखता है, दिखाई देता है ये बात पब्लिक भी जानती है और ये बात मीडिया भी जानता है, जब उन्होंने इस बार लक्ष्य 400 का दिया है तो कुछ सोच के ही दिया है, पार कर लेंगे 400 बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल पार कर लेंगे राम नाम पे, ये आप देखिए ना कि भाई मैं आपको पब्लिक से ज़्यादा मीडिया भी, जब मीडिया ही दिखाती है ना ये, अगर वो काम नहीं कर रहे हाँ तो मुझे ये बता दीजिए वो दो बार कैसे जीत गए, जहाँ कांग्रेस आती है वहाँ कहते हैं कि भाई सब कुछ ठीक है, जहाँ बीजेपी आती है वो कहते हैं ईवीएम खराब है, लेकिन ईवीएम तो सर जी कांग्रेस की देन है ना, ये बात मान लूँगा जहाँ जहाँ कांग्रेस हार जाती है बोलती है कि जी भैया ईवीएम में गड़बड़ है, जहाँ जीत जाती है तब सब ठीक है, लेकिन ये मैं बात मान लूँगा, एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि भाई अभी ये 2024 का इलेक्शन है, ये अब तो शायद उन्होंने शायद एक उम्र तय कर दिया कि भाई अब इसके बाद तो लास्ट इलेक्शन है, जो हाँ। सुनने में आया था कि 74 के हैं, हाँ तो उसके बाद हैं 74 के हैं, मतलब सुनने में आएगा 74 के बाद 75 के बाद रिटायरमेंट ले ना, इसको देखना चाहते हैं अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, योगी है फिर तो
योगी है, पहले मोदी है तो मुमकिन है, अब योगी है तो मुमकिन है। मैं बकायदा योगी में ऐसा क्या खास? मैं बकायदा इस टाइम यूपी से हूँ और यूपी के अंदर इस टाइम जो शांति है वो मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। जो अखिलेश यादव के टाइम में, जो मायावती के टाइम में, जो वहाँ का एक खबर बताऊँ यूपी की? हाँ जी बताइए। मेरठ के एक ज़िले, मेरठ में वहाँ पर एक महिला की हत्या करके उसको जो उपले के वो होते हैं ना बिटोड़े, उसमें डालकर जला दिया गया। सर मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। और वो हिंदू लड़की थी, मैं बताता हूँ। खैर जिसकी भी हत्या हुई वो हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटना चाहिए, लेकिन जब कहते हैं कि अब हिंदू सुरक्षित है, उनके लिए ये सवाल है कि महिलाएं अब सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में? अब क्या हमेशा से नहीं थी? देखो बताऊँ अब आपको, देखो राज पॉलिटिशियन कोई भी हो, मैं जो देख रहा हूँ अभी जैसे यूपी के अंदर जैसे हो रहा है, ये किसी की सरकार के अंदर हो थोड़ा बहुत तो देखो होता है कहीं ना कहीं, तो घटना घटती भी है, लेकिन जो पहले जो चीज़ें थी वो चीज़ें नहीं है। फ़र्क है पहले से यूपी के अंदर, बहुत फ़र्क है प्रशासन के टाइम। हाथरस जैसी घटनाएं नहीं होती हैं अब? नहीं अब कम है पहले से, लेकिन बताया था तो होती है। पुलिस की सुरक्षा में एक रेप विक्टिम की लाश नहीं जलाई जाती है अब? मैं सर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी क्राइम हो रहा है, लेकिन जो पहले जितना होता था वो चीज़ नहीं है। कभी साल छः महीने में कभी एक आधा कभी ऐसा सुनने को मिल जाता है। देखो क्रिमिनलों का आजकल थोड़ा सा आपको पता ही है, सवाल तो बनता है ना उस पर भी। सवाल तो खैर है, देखो जो इनका अगर इनके लिए भी एक मेरठ की माँ अपनी बेटी को रात को 8 बजे अगर वो कॉलेज से लेट हो जाए आने में, उसका तो दिल धड़कता होगा ना कि मेरी बेटी कहाँ है। अगर उस माँ को शांति नहीं दे पा रहे योगी, फिर तो फेल है ना। नहीं वो आपकी बात ठीक है, फिर तो कमजोर पड़ गई। मैं बता दे रहा हूँ आपको, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट अगर इतनी सक्षम हो जाए कि भाई ऐसा कानून कोई आ जाए कि भाई जो ऐसा करते अगर ऑन द स्पॉट अगर देखा जाए, अगर उसको सख्त अगर सजा दी जाए तो आदमी डरेगा ना। जब उसको पता है कि भाई कुछ होना ही नहीं है, कोर्ट में केस चलता रहेगा 10 साल। क्या माहौल ऐसा बनाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं? मैं एक जेन्युइनली सवाल पूछ रहा हूँ, खैर वो राजनीतिक लंतरानी एक तरफ है, कि क्या माहौल ऐसा बनाना कि आपकी हमारी बहन बेटी माँ आराम से रात को भी घूम सकें, आज़ाद हवा में सांस ले सकें, और उनके ऊपर ये तलवार ना लटकी हो कि मुझे रात को 8 बजे से पहले या 7 बजे से पहले घर पहुंचना है? तो क्या ऐसा माहौल बनाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? सरकार की जिम्मेदारी तो है, लेकिन ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती। पॉसिबल नहीं हो सकती, नहीं हो सकती जब तक मैं सोचता हूँ। कोई ऐसा तो नहीं है हम इसमें सरकार को माफ़ कर दे रहे हैं कि नहीं हो सकता तो छोड़ देते हैं? माफ़ करने की बात नहीं है, कुछ चीज़ें अब तो आप भी जानते हो सर, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आदमी खुद कह भी नहीं सकता, तो सरकार को तो खैर हम क्या दोष देंगे। तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इंसान को भी सोचना पड़ेगा और सरकार को भी सोचना पड़ेगा। चलिए ठीक बात है, और भी तमाम लोग हैं तो ये समोसे भी खा रहे हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका सर? 2 मिनट बात कर लें आपसे। समोसे खा रहे हैं? हाँ जी, समोसा है कचौड़ी। अच्छा समोसा है कचौड़ी है। प्रधानमंत्री जी को जानते हैं? हाँ जी। क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा है कि अब के बार 400 पार सीटें लेके आएंगे, क्या हो पाएगा लग रहा है? पता नहीं यार, मैं पॉलिटिक्स फॉलो नहीं करता। पॉलिटिक्स फॉलो नहीं करते, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस स्टूडेंट हूँ। बिजनेस स्टूडेंट हैं? अच्छा, इकोनॉमिक्स मतलब कॉमर्स वाले बच्चे हैं? हाँ जी। तो बताइए नरेंद्र मोदी, ये काम कुछ अच्छे लगे बिजनेस को बेहतर बनाने में या फिर ईज ऑफ बिजनेस को बेहतर करने में? अब तो मैंने बिजनेस का सवाल पूछ लिया यार, अगेन मैं फॉलो नहीं करता यार, मैं जरूर बता। पॉलिसी से तो वाकिफ होंगे कुछ? नहीं यार, मैं जरूर बताता हूँ। एजुकेशन पॉलिसी में कुछ बेहतरी देखते हैं क्या? काम कैसा अच्छा लगता है नरेंद्र मोदी का? अच्छा लगता है नहीं लगता? अरे यार काम मेरे को उतना पता ही ना। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, भाई साहब फॉलो नहीं करते हैं। आपका क्या नाम हो? आप फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं? थोड़ा बहुत है। नरेंद्र मोदी पसंद है कि नहीं है? हाँ जी थोड़ा बहुत। खा लीजिए पहले खा लीजिए मैं फंसा दिया भाई साहब को। खा लीजिए, ये बाइट खत्म करके बात करते हैं, हम वेट करेंगे आप कहीं खड़े, खत्म कर लीजिए। कोई बात नहीं। अच्छा तो ये बता दीजिए नरेंद्र मोदी का काम पसंद आया? पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, अब चुनाव होने जा रहे हैं अप्रैल में, काम पसंद आ रहा है उनका? नरेंद्र मोदी तो खैर एकदम डायरेक्टली नरेंद्र मोदी नहीं, बट उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर जैसे जयशंकर जी है, एस जयशंकर, हाँ उनका इस गवर्नमेंट के टेन्योर में उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अपना कैसे दिखाया, अपना ना इंडिया की बात रखी है हम ना एज अ नेशन के लिए, तो उसके लिए ना आई विल से वी हैव टू गिव हिम सम क्रेडिट फॉर दैट। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी का काम पसंद आया कि नहीं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पसंद आया है, बोलना नहीं चाहेंगे, कोई बात नहीं है, ये भी अच्छी बात है। तमाम और भी लोग हैं भैया,
नहीं बात कर पाएंगे आप। चलिए अब आप ये समझिए, ये समझिए कि ये भी चीज़। आपका क्या नाम हुआ सर? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अरमान। अरमान जी। अरमान। हाँ, अरमान। अरमान, ओके। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अब की बार 400 पार सीटें आएंगी। अच्छा, लग रहा है अचीवेबल है कि ओवर कॉन्फिडेंस है? देखिए, कुछ भी हो सकता है। कहने को कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन हाँ, इससे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी झलकता है इस स्टेटमेंट से। ओवर कॉन्फिडेंस है लगता है सर है, लेकिन हाँ, ये है कि 24 में मुझे लगता है वही आएंगे। हाँ, लेकिन 400 पार होंगे नहीं होंगे? 400 तो मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन अब बताइए, राममय पूरा माहौल है जी। पूरा देश जो है राम मंदिर की प्रशंसा कर रहा है, उनके एफर्ट्स की प्रशंसा कर रहा है कि प्रधानमंत्री खुद भी गए, तमाम सेरेमनीज में उन्होंने खुद शिरकत की। तो क्या इसका फ़र्क आपको लगता है पड़ेगा, राम मंदिर बन जाने का फ़र्क? जी बिल्कुल पड़ेगा और पढ़ना भी चाहिए। हाँ, क्योंकि जो 500 साल में नहीं हुआ, हाँ, वो इनके राज में हो गया, बीजेपी सरकार के राज में हो गया। हाँ, तो ये ऐतिहासिक पल था सबके लिए, हिंदुत्व को जगाने के लिए। हाँ, और इससे काफ़ी हिंदू जाग भी गए हैं, तो ये बहुत ऐतिहासिक पल है। तो इससे फ़र्क तो पड़ेगा वोट बैंक में। हाँ, और क्या कहते हैं, बाकी तो देखें कितने आती सीटें, बाकी देख। काम कुछ पसंद आया नरेंद्र मोदी का इन 10 सालों में? देखिए, कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी हैं। क्या अच्छा है क्या बुरा है थोड़ा बताइए। देखिए, पहले चुनाव जब ये पहले आए थे तो इन्होंने वादे बड़े किए थे कि 15 लाख का वादा भी हुआ था, अच्छे दिन आएंगे ये भी हुआ था, सिलेंडर सस्ता होगा ये भी हुआ था, पेट्रोल सस्ता होगा ये भी बड़े सारे वादे हुए थे जो कि अभी तक पूरे नहीं किए गए। उसके अलावा यू नो, पहले सीनियर सिटीजन को ट्रेन्स में डिस्काउंट मिलता था जी, वो भी बंद हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शुरू हुई हैं और कुछ बहुत सारी चीज़ें बंद भी हो गई हैं। हाँ, तो सिलेंडर तो सस्ता हुआ नहीं, सबको पता है, और पेट्रोल भरवा भरवा के हम थक जाते हैं अपनी गाड़ी में। यूपी में तो 100 के पार चल रहा है, बॉम्बे में भी 106 से ऊपर है। अच्छा, हाँ, दिल्ली में 96 रुपये चल रहा है। दिल्ली में कल परसों मैंने भरवाया तो 96 रुपये था, 10 रुपये कम ही रहता है दिल्ली में। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ें सस्ती तो हुई नहीं है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि अगर अभी ये सरकार आती है तो कृपया करके ये करे कि चीज़ें सस्ती करे, जनता को राहत पहुँचे। कभी आलू महंगे हो जाता है, कभी टमाटर, कभी प्याज, ये सब यू नो ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब यू नो मिडिल क्लास जो लोग हैं वो मर रहे हैं, अमीर तो अमीर है ही है, मिडिल क्लास परेशान है जी, मिडिल क्लास परेशान है। और काफ़ी सारी योजनाएँ जो पहले थी वो बंद हो गई हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रेन वाली चीज़ें हैं या और भी हैं, तो ये चीज़ें शुरू होनी चाहिए वापस से, उनको राहत मिलनी चाहिए लोगों को, मिडिल क्लास को खासकर। और टैक्स बढ़ता जा रहा है, कभी GST है, कभी क्या है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी GST कमीशन की रिपोर्ट अभी आने वाली है। स्वच्छ भारत के ऊपर, वो भी स्वच्छ भारत टैक्स भी है। हाँ, हम देखते हैं कि स्वच्छ तो हुआ ही नहीं भारत, अभी भी गंदगी है बहुत जगह। मतलब टैक्स ले लिया, जो काम था वो नहीं किया। जी जी, टैक्स तो ले ही जा रहे हैं लेकिन काम उतना प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। तो बाकी नितिन गडकरी जी अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी सारे हाईवेज बनाए हैं, अच्छी अच्छी सड़कें। लेकिन उनके ऊपर तो CAG की रिपोर्ट भी आ गई, द्वारका का एक्सप्रेसवे बनाया जी, उसकी कॉस्ट पर किलोमीटर 18 करोड़। अब ये देखिए, ये तो जांच का विषय है। हाँ, कि अगर इतनी महंगी बन रही है तो पैसा कहाँ जा रहा है और क्या वो क्वालिटी दे पा रहे हैं उस पैसे में, तो ये भी एक जाँच का विषय है जी। बाकी वो काम तो कर रहे हैं लेकिन अभी ये तो जाँच समिति ही बता सकती है कि वो क्या है क्या नहीं है, कितनी कॉस्ट आनी चाहिए। बाकी तो देश चल रहा है। चल रहा है बस। आपका क्या नाम हुआ सर? ये एक बात और कहना चाहूंगा, एक मिनट, देश राम भरोसे चल रहा है अभी तो। बढ़िया, आपका क्या नाम? देखो, राम भरोसे तो चलना चाहिए, राम है तभी आराम है मेरी जान, मैं तो यही बोलूंगा जी। राम है तभी आराम है, आराम है। मैं बड़ा ईमानी तूफानी स्वाभिमानी शायर हूँ भारत का, ठीक है। हमारे आपको देखा है शायद, जरूर देखा होगा, दुनिया जानती है मेरे को। नाम क्या बताया आपने? मैं भूल, डॉक्टर साक्षात भसीन, साक्षात दर्शन, साक्षात भसीन हमारी नस्ल का। ये बताइए, जो नरेंद्र मोदी ने अब के कहा है 400 पार होंगे, अब लग रहा है संभव है? तो क्यों नहीं हो सकता, हो जाएगा। कैसे? मोदी तो आज पूरे ब्रह्मांड में पार हो रखा है, आजकल सब जगह चल ही रहा है वो। कैसे ऐसा ऐसा क्या काम कर दिया उन्होंने? चाय बनाने से संघर्ष शुरू किया जमीन पे बैठ के, ठीक है, चाय पिलाई सबको। आज चकाचक है, देखो कैसे। वो तो वडनगर, वडनगर, वडनगर का स्टेशन तो गुजरात अभी 70 के दशक में बना। मेरी बात तो सुनो, उससे पहले नरेंद्र मोदी पैदा हो चुके थे। नहीं, मेरी बात सुनो, देखो गुजरात से चल के मुख्यमंत्री था,
मतलब वो फैक्चुअल नहीं है बात कि उन्होंने चाय बेची नहीं बेची, कोई साक्ष्य नहीं है उसका, जो भी है कुछ नहीं था। मेरा ना के बराबर छोटा सा आदमी था ये, ठीक है, बहुत मामूली आदमी था, कोई कुछ नहीं बैकग्राउंड, कोई चाचा ताया नहीं है, अपने दम पे बना बंदा, राइट, और अपने उसूलों के ऊपर, अपने गुणों के ऊपर। नमो जी, सिर्फ गुजरात नहीं तुम तो विश्व की शान हो, जो जो ना जाने ना जाने तुमको यहाँ है, सबसे बड़ा नादान वो, और सबसे बड़ा नादान वो जो ना दे नमो पर ध्यान है, ध्यान है, विकास ही बस विकास हो, विकास ही नमो की पहचान है, पहचान है। बसेन आज कहते सबसे सबसे, कान खोलकर सभी सुनो, भरी देश भक्ति वफा जिसमें है नायक वो एक सच्चे नमो। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, तो ये नरेंद्र मोदी के लिए ही लिखी है, पीएम बनने से पहले, पीएम बनने से पहले लिखी है 2003। अच्छा, तो पीएम बनने के बाद जो है, पीएम बनने के बाद क्या अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन आ गए, और क्या, अब क्या चाहिए, 15 लाख चाहिए, तो काम करो। 15 लाख वाली बात ही नहीं करता, 15 लाख जुमला था, सबको पता है, लेकिन पेट्रोल की भी तो बात हो रही थी, पेट्रोल को क्या खाएगा आदमी, क्या गाड़ी भी चलानी है, गाड़ी नहीं पैदल चलो, गाड़ी चले, सिलेंडर भी तो भरवाना है, सिलेंडर भी तो भरवाना पड़ेगा, सिलेंडर भी तो भरवाना पड़ेगा, सब लोग भरी रहे ना, वो तो 1000 के ऊपर है सर, कोई बात नहीं, हम भी भरवा रहे हैं, पेड़ काट के रोटी बनाएंगे, जैसे फ्री सिलेंडर दिए, अब फ्री सिलेंडर गैस नहीं मिलेंगे, लोग पेड़ काट के धुने से तो बाहर निकालना था, अब लकड़ी के धुएं वापस ले जा रहे हैं, कहेंगे क्या, देखो जी आपने कहा फ्री सिलेंडर, फ्री सिलेंडर नहीं, सस्ता सिलेंडर, वाजिब दाम पे सिलेंडर, 400 रुपए का दिया, शुरुआत हुई थी 410, हाँ, और आज 900-1000 रुपए का चल रहा है, हाँ। तो अब क्या करेगा आदमी, जब दे नहीं पाएगा, हम तो दे लेंगे दिल्ली वाले, यूपी में हरियाणा में कहाँ चलेगा, सिलेंडर की जगह पेड़ कटेगा उसमें फिर गैस चलेगी, ठीक बात है, लकड़ी, अब लकड़ी के चूल्हे पे चले जाए, नमो आए तो, नमो आए तो लकड़ी के चूल्हे पे चले जाए, चूल्हा तो हमारी सभ्यता है, संस्कार है ये हमारे भारत, भले ही कोई दो नहीं, भले ही घर की महिलाएं धुआं फू फांकते भागते हैं, आंखों में धुआं लेते रहे, अंधी हो जाएं, लेकिन हमारी संस्कृति बची रहनी चाहिए। देखो हमारा जब खान पान अच्छा होगा ना, आजकल खान पान में ही मिलावट हो रही है, हर दूसरा आदमी कह रहा है मिला के साले कुछ तरीके को लूट लूं, सामने महिलाएं धुआं झेले लेकिन नमो आए, धुआं झेलने से भी ताकत होती है, हर आदमी के बस का नहीं है धुआं झेल, लोग कांच, मतलब ठीक बात है, झेल ले, क्यों नहीं झेलना चाहिए, धुआं नहीं जलता है, चूल्हा क्यों नहीं जलता, धुआं कितना लगता है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा मोदी जी से, ये भाई मोदी जी से एक बात कहना चाहूंगा, आप 400 क्या 500 सीटें लें, आप तो फंस गए दो सरकार के बीच में, मेरी बात 400 से 500 सीट मिलेगी आपको, पर मीडियम क्लास का भी ध्यान रखो, जो राशन चीनी चावल दुनिया भर की चीजें महंगी करी हैं, गैस सिलेंडर पेट्रोल, वो उसी रेट पर लाओ जिस तरीके से कांग्रेस के टाइम पे था, इतना महंगा करके आप उनको कुछ देना चाह रहे हो या उनको खत्म करना चाह रहे हो? जी आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो चश्मा लगा रखा है वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगा रखा है, तो इसलिए उल्टा ही बोले जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप लोग दोस्त हैं ना? दोस्त है, ठीक है, समझ में तो फर्क है ना, छोटा अभी थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, पेट्रोल कोई कह रहे खाएगा, ठीक है, ये कह रहे हैं, वो लिक्विड फॉर्म है तो पी सकता है, लेकिन कहने का मतलब है कि पेट्रोल से ही गाड़ी चलती है, पेट्रोल से ही, डीजल से ही ट्रक चल रहे हैं, जिससे साधन इधर से उधर जा रहे हैं, हमारा हमारा खान पान सब्जियां दूध वगैरह घर से ही, उसी से चीजें महंगी, एक मिनट, उसी से चीजें महंगी होती जा रही है, तो इनको ये समझना पड़ेगा कि पेट्रोल हम खा पी नहीं रहे हैं, पेट्रोल से चीजें जो आदान प्रदान हो रही है दूसरे राज्यों में जा रही है, आज बॉम्बे में सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल है, वहाँ चीजें महंगी मिलती हैं, दिल्ली आता हूँ थोड़ी सी सस्ती होती है, लेकिन बॉम्बे में सबसे ज्यादा महंगी चीजें हैं, जितना ट्रांसपोर्ट महंगा होगा उतना ही खान पान महंगा हो जाएगा। मैं यही समझाना चाहता हूँ कि पेट्रोल एक छोट, मतलब बात अगर देखा जाए तो पेट्रोल सस्ता होगा तो चीजें भी सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि जो है ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाएगा, राइट, हाँ। और जैसे कि 410 का सिलेंडर बताया, हाँ। तो 410 का अगर सिलेंडर, ये समोसा जो तल रहा है सामने, कचौड़ी तल रहा है, अगर वो 400 का सिलेंडर मिलेगा वो भी सस्ता करेगा, हम हाँ बिल्कुल, लोगों को खाना भी सस्ते में मिल जाएगा, चाहे समोसा कचौड़ी सब सस्ते में खाएंगे कि नहीं खाएंगे, हाँ। तो ये इनको समझना चाहिए, आज ये हाँ। आज ये चाय समोसा कचौड़ी नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते, कुछ नहीं खाते, आप नहीं खाते चाय समोसा कचौड़ी, बता दूंगा इनको सबको, ऐ खुदा, अब सुन लो मेरा शेर सबके ऊपर लागू, शेर सुनाइए, ऐ खुदा ऐ रब्बा, अब यूं तेरी वो करामात हो जाए, के भटके भटके तेरे बंदों को इरफान-ए-ज़ात हो जाए,
वाह समझ आया। इरफान आजाद की बात हो रही है, वापस आइए, वापस आइए अब इरफान आजाद, एनलाइटनमेंट हो। अच्छा ठीक ठीक ठीक, बस रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, अब चलिए खत्म करते हैं चर्चा को, चर्चा को खत्म करते हैं। नहीं रुकिए रुकिए, हाँ ये खत्म कर देते हैं आखिरी बात। मोदी जी आपसे कहना चाहूंगा, आप कांग्रेस को बुरा कहते हैं, कांग्रेस ये है वो है वो है, पर क्या आप कांग्रेस के बराबर पहुंच पाए? जैसे उस टाइम महंगाई थी, उस महंगाई को उसको महंगाई कहते थे, आज आपकी महंगाई कितनी गुना 10 गुना बढ़ गई है, उसे खत्म करो। आम आदमी को समझो, जैसे आम आदमी थे, जैसे आम आदमी सरकार बनी है, ऐसा ही बनकर दिखा दो। चलिए ठीक है, ये आखिरी में आते आते जो है थोड़ी चकल्लस की बातें हो गई, आखिरी शेर है ना, पक्की बात है बसीन साहब, ठीक है करो कि ये है कि किताबों को काफ़ी कम कम कम, प्राणियों को ज़्यादा पढ़ता हूँ मैं, शायर ईमानी हूँ, शेर भी बब्बर शेर करता हूँ मैं। ना पेट्रोलियम पेट्रोल से तो पॉल्यूशन पैदा हो रहा है मेरी जान, एक भारत था हमारा, कोई दो नहीं, कैसे विश्व करेगा, कोई गुरु बनेगा बैलगाड़ी पे चल के, कोई दो नहीं पांच नहीं, मेरा भारत सिर्फ एक है, पूरी दुनिया में सनातन समृद्धि संस्कृति सर्वश्रेष्ठ। वाह भाई वाह, ऐसे थोड़ी ना बोलते, वाह भाई वाह, चलिए चलिए बैलगाड़ी जो है पेट्रोल छोड़ के बैलगाड़ी पे चलिए, इसीलिए पोल्यूशन हो रहा है क्योंकि आप गाड़ी पे चलते हैं, ये आपकी गलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इसीलिए आपका पेट्रोल महंगा किए जा रहे हैं कि पोल्यूशन कम हो जाए, कार्बन उत्सर्जन कम हो जाए। अब ये बात थी आपकी, तमाम बातचीत थी और थोड़ी लंबी हो गई बातचीत आज, लेकिन आखिरी में चकल्लस भी हुआ, चकल्लस में एक बात तो साफ हो गई है कि अब विषयों पर उतना ज़्यादा ध्यान दिया जाना बंद हो गया, अब सही तर्कशील बातों पर ध्यान दिया जाना बंद हो गया है, और जो तर्क देकर सवाल पूछे जाते हैं उनको अब संजीदगी से नहीं लिया जाता, ये बात साफ है। आपके इस पूरी वीडियो के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी सचिन के साथ दिल्ली के मंडी हाउस से धारण की रिपोर्ट, धन्यवाद।